साल में जब भी नवरात्रि का पर्व आता है, भक्तों के मन में माता रानी के आगमन का उत्साह भर जाता है। हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि यानी चैत्र नवरात्रि से शुरू हो जाता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसे चैती नवरात्रि भी कहते हैं। इसे हिंदुओं की पहली नवरात्रि मानी गई है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के 9 रूपों के लिए समर्पित होते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्त घट स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, ज्वारे बोते हैं। 9 दिन भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं, माता की पूरे मन से पूजा करते हैं। इस पहले दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में उगादी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। पंचांग पर ध्यान दें तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस साल 8 अप्रैल को रात 11:50 पर मुहूर्त शुरू हो रहा है। अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर मुहूर्त का समापन होगा। घट स्थापना मुहूर्त 6:02 से 10:16 यानी कुल 4:14 तक होगा। घट स्थापना के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:57 से 12:48 तक होगा, जो कि कुल 51 है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की तिथियों की। तो पहले दिन यानी 9 अप्रैल को घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 10 अप्रैल को द्वितीय तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 11 अप्रैल को तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 14 अप्रैल को षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा भक्त करेंगे। 15 अप्रैल को सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 16 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा होगी। इस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। ये दिन महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान में ही सचेत रहें।